सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में विस्तार करते हुए 23 विधायकों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया से विधायक लाखन सिंह राजपूत को कृषि राज्य मंत्री का कार्यभार सौंपा। कृषि राज्य मंत्री बनने के बाद आज कानपुर देहात पहुँचे लाखन सिंह राजपूत ने जहाँ प्रदेश की योगी सरकार के कार्यों की जमकर तारीफ की, वहीं दूसरी ओर कृषि विभाग की जिम्मेदारी मिलने पर खुशी जताई। कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने कानपुर देहात में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी है। कृषि राज्य मंत्री ने किसानों की समस्या को प्राथमिकता से दूर करने की बात की, वहीं किसानों की आय दोगुना की पहल पर तेजी से कार्य करने की बात कहते हुए आवारा जानवरों की समस्या से किसानों को जल्द ही निजात दिलाने की बात कही। वहीं आवारा सांडों की आक्रामकता को देखते हुए हर पशु चिकित्सालय पर उनको बधिया करने का कार्य शुरू किया जाएगा। साथ ही जापान की तकनीकी का प्रयोग करते हुए गायों से केवल बछिया प्रजनन कराने की तैयारी बनाई जा रही है। वहीं आवारा जानवरों की दुर्दशा को देखते हुए योगी सरकार ने किसानों को आवारा गायों को बांधने पर 900 रुपए मासिक सहायता देने की घोषणा की है। आपको जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसके इसका ईमानदारी से निभाने का पूरा प्रयास करूँगा। और हमको कृषि विभाग दिया गया है किसानों से संबंधित, किसानों की हर समस्या का प्राथमिकता के आधार पर उसको निस्तारण कराएंगे और उनका निवारण भी करेंगे। और हमारी सरकार का पूर्व से ही इस बात का संकल्प है कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करेंगे। उसके लिए सारे संसाधन किसानों को और उनकी जो फसल का मूल है उसको आज तक की किसी सरकार ने किस प्राथमिकता के आधार पर किसानों का गेहूँ और धान क्रय केंद्र खोलकर अच्छा उनको MSP निर्धारण करके उसका DBT के माध्यम से उनके खातों में भुगतान करने का प्रयास किया है, ताकि पिछले किसानों का शोषण न हो सके और वो अक्सर दलालों के चक्कर में फंस के उनको मूल वही मिलता था और दलाल लोग उसका खा जाते थे। इसलिए सीधा क्रय केंद्र पर किसान ले जाए और उसकी जो MSP निर्धारण है उसके DBT के माध्यम से उसके खाते में ट्रांसफर करने का प्रबंध किया। क्योंकि आवारा पशुओं की समस्या है, उसके निवारण के लिए सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर उसको रखा है और प्रत्येक एक जापान की टेक्निक से एक वैक्सीन तैयार की है और जो गाय को लगाई जाएगी और वो गाय हमेशा बछिया देगी, बछड़ा नहीं देगी। दूसरी बात, अक्सर ये कहा जाता है कि सांड आक्रामक हो जाते हैं, उसके लिए प्रत्येक पशु चिकित्सालय को निर्देशित कर लिया गया है कि सांडों का बधियाकरण आवश्यक है। अगर बधियाकरण जो नहीं कराया गया, जिसके कम होंगे उसके खिलाफ वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। तीसरा, इतना बजट दिया है प्रत्येक किसान को एक गाय पर 900 रुपया महीना देंगे। जो भी किसान ये आवारा पशु अपने गाय को बांध लेगा उसको 900 रुपया प्रतिमाह सरकार देगी और उसका पालन भी शुरू करेगी। इस प्रकार ये प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है कि आवारा जानवर। सिकंदरा कानपुर देहात से सुभाष कटियार की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।